साथियों, देखिए कुछ प्रकार से आज हम सीख रहे हैं डिटरमिनेंट आगे की तरफ। तो कल हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से हम डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं और उसका क्या थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है वो कल हमने समझ लिया था। उसके अलावा सर आज हम बात करेंगे कि एक सारणिक का जो मान है सर, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ओके, सो आप ये पॉइंट जरूर नोट करें सर। द वैल्यू ऑफ एनी डिटर्मिनेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो कहने का मतलब ये है सर इस पॉइंट का कि कभी भी और किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो यही हमने इस पॉइंट में बताया है कि द वैल्यू ऑफ एनी डिटरमिनेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। चलिए, और दूसरा कल हमने एक बेसिक मेथड सीखा था डिटरमिनेंट को सोल्व करने का, जो हमने 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने। उसके अलावा यदि मान लो अब आप तो कॉम्पिटेटिव, मैंने बोला था कि सर कॉम्पिटेटिव में भी आता है तो उस हिसाब से भी पढ़ाऊंगा ना सर मैं। तो मैंने आप मान लो किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वहाँ मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है सर, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आजकल तो हम देख रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी MCQs आते हैं काफ़ी, और वहाँ पर भी अगर डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए आता है तो वहाँ पर आप मेथड लगाओगे। सो मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि उससे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो अपने समय को बचाने के लिए आप ट्रिक का यूज़ करें वहाँ पर, क्योंकि आपका मेथड कोई नहीं देखेगा, केवल आपके द्वारा टिक करेंगे आंसर को देखेंगे वो। सो इसलिए आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आज फिर से हम कोई एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। सो जो ये आप सेकेंड मेथड लिख लें सर, सेकेंड मेथड, देखो इस तरीके से ले लेते हैं। एक मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, अपनी तरफ से ले लेता हूँ, चलिए, कि कुछ तरीके से -5, 4, 3 और 2, 6, 2 और 1, 8, -1। देखिए ये मैंने को रैंडम एक 3x3 का ले लिया है सर, आप ये रूल 2x2 में भी लगा सकते हैं जो अभी सिखाने जा रहा हूँ। तो आपको पता है ये आपके फर्स्ट कॉलम है सर, ये आपका सेकंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है। देखिए आपको सीखने में ज़रूर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार सीखने के बाद जब आप करेंगे सर तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो आप इनको अलग लिखिए ज़रा, यहाँ पर -5, 2, 1 और 4, 6, 8। चलिए थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। -5, 2, 1 और 6, 4, 6, 8 को इस तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3, 2 और -1। ठीक है सर, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। अब हम सर अपनी तरफ से फोर्थ कॉलम भी ऐड करेंगे और फिफ्थ कॉलम भी ऐड करेंगे। वो कौन से कॉलम होंगे सर, हम यहाँ से इधर गए हैं अभी, अब यहाँ से वापस आके इधर को चलेंगे, यहाँ तक जाएंगे, यानी आप फोर्थ कॉलम को लोगे फर्स्ट कॉलम को द्वारा लेंगे लेंगे सर यहाँ पर फोर्थ कॉलम के रूप में, कुछ तरीके से -5, 2 और 1। हमने सर फर्स्ट कॉलम को फोर्थ कॉलम के फॉर्म में ले लिया है, ठीक है अगेन, और वैसे ही हम दोबारा फिफ्थ कॉलम को सेकंड कॉलम को फिफ्थ कॉलम के फॉर्म में ले लेंगे। तो कुछ तरीके से आएगा 4, 6 और 8। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी कोई वो नहीं है सर, बस सिंपल है कि आप पहले ऐसे गए वापस आए तो इन दोनों कॉलम को भी हमें यहाँ पर लेना है, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम के फॉर्म में लेना है। क्लियर, अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है सर, हम तो डायगनली चलते हैं इसमें। डायगनली कैसे, हम फर्स्ट एलिमेंट से चलेंगे इस तरफ, मैं एक अदर पेन से चलिए एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ। अभी लाइन जिन जिन एलिमेंट्स से होती हुई जा रही है सर, उन उन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके हम एक जगह लिख लेंगे। चलिए कहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो 5, 6 30
और 31 जा 30, और यहाँ पर देखेंगे आप दो प्लस के साइन है तो प्लस, दो माइनस के साइन है तो माइनस प्लस का हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 30 आएगा यहाँ पर प्लस का 30, ठीक है, क्लियर। आगे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए सर कि 4 इनको ऐड करके लिखना है। अब सेकंड डायगनल पर चलते हैं, जो डायगनल कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 2 8 और 8 1 8, तो प्लस का 8 है तो प्लस का 8 आएगा। ऐड कर रहे हैं सर इनको, ठीक है। अगेन एक थर्ड डायगनल हम देख पा रहे हैं कुछ तरीके से, ये रही, जिसमें हमारा 8 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 6 और 6 8 48, सो दो ये प्लस का है तो 48 प्लस का हो जाएगा। अब इनको प्लस कर देंगे यहाँ पर। अब सर वापस भी चलेंगे क्रॉस। अब यहाँ से आप देखेंगे, एक इसको अदर कलर से कर देता हूँ मैं एक बार, ज़रा इस वाले एलिमेंट से चलेंगे तो आप देख पा रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड हो रहे हैं, 4 2 और ये -1। तो 4 2 8 और 8 1 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 8, तो माइनस का 8, ठीक है। अगेन फिर से हम यहाँ से करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं सर यहाँ पर, ये आपका 8 2 और 5 इंक्लूड हुआ है यहाँ पर, तो 8 5 जो 40, माइनस का 40 क्योंकि माइनस है, और 42 जो 80, तो माइनस का 80 आपका यहाँ पर रहेगा, तो माइनस का 80 में लिखूँगा। चलिए आगे भी साइन का पता नहीं है। कुछ तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर, इस बार ये एलिमेंट्स इंक्लूड हुए हैं 1 6 और 3, तो 6 3 जो 18 और 18 1 जो 18, तो ये तो प्लस का रहेगा सर। अब इनका होगा क्या सर, एक्चुअली में हम इन एलिमेंट्स को करेंगे सर माइनस। क्या कर देंगे सर, हम इन एलिमेंट्स को कर देंगे माइनस, इन दोनों को, सो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये काम आपको लग रहा होगा कि इतना क्यों करना है, अरे देखना आप, देखना सर कि ये आपको बहुत आसान लगेगा जब आप करने बैठोगे, ठीक है। चलिए तो 38 और 48 को हम जोड़ देंगे, तो 30 और 40 70 हो गया, और 8 और 16, ठीक है, तो 86 आ गया आपका, ये तो वैल्यू आ गई 86। माइनस करेंगे, आप देख पा रहे हैं सर यहाँ पर कि ये प्लस का 18 है और ये माइनस का 8 है, तो माइनस का प्लस का 10 बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, और प्लस का 10 और ये माइनस का 18, ठीक है, सो माइनस का 70 बचेगा यहाँ पर, माइनस का 70। चलो ये 86 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 70। अब इनको ऐड कर देंगे तो 6 और 8 और 7 कितना होता है सर, 15। तो कुछ तरीके से हमारे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी सर वो हो जाएगी 156, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ट्रिक वाला मेथड, जिसको आप यूज़ करोगे अगर आपका आता है तो, ठीक है, तो इस तरीके से। पर आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि आपको ये अभी लगा होगा कि सर इतना टाइम लगा इसको सीखने में, तो फिर क्या सर पेपर में ये करना सही रहेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल उचित रहेगा। आपको करना क्या है, आपको इनको अलग लिखने की जरूरत नहीं है सर पेपर में, आप डिटरमिनेंट के साइड में ही यहाँ पर 4th कॉलम बना दें, 5th कॉलम बना दें, और फिर उसके बाद सीधा ही लगा दें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कार्य आप हद जो ये वर्क है ये मुश्किल से आप 20 से 25 सेकंड में कर लेंगे सर, और अगले 10 से 20 सेकंड में आप अपना आंसर दे देंगे, यानी कि 1 मिनट से कम समय में किसी भी डिटरमिनेंट का आप आंसर दोगे वहाँ पर बैठ के, एग्ज़ाम बैठ के सर। सो आप इस मेथड को जरूर यूज़ कर सकते हैं सर। तो चलिए ये हमारा हो गया सेकंड मेथड, जिससे हम जिसको यूज़ करके हम क्या डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा, और आगे डिटरमिनेंट्स में और आगे सीखने के लिए अगले वीडियो देखें।